हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस जैम एकेडमी एंड दिस इज रुपेश कुमार फ्रॉम आईजर पुणे। सो आज हम लोग 2019 का जेस्ट का स्टेट मैक और थर्मोडायनेमिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी 2019 में जेस्ट में जितने भी स्टेट मैक और थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछे थे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन था, उसको अपन एक एक करके देखेंगे और उस पर जो भी डिटेल सोल्यूशन होगा उसको भी बताएंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि जेस्ट में थर्मोडायनेमिक और स्टेट मैक से बहुत ही इजी वे में, मतलब बहुत ही मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन 5-6 पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक, आई थिंक 20 से 30 फॉर्मूला है, उसी के बीच में सारे क्वेश्चन लगभग वन एन एवरेज फ्लक्चुएट करते हैं हर साल। तो अगर उन सारे फॉर्मूले को अगर आप अच्छा से समझ ले, उसके जो भी टर्म है उस फॉर्मूले में की उस टर्म का मतलब क्या है, और प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन जेस्ट के 2012 से 2020 का लगा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो 2020 में जो भी जेस्ट में थर्मो और स्टेट मैक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी पूरी उम्मीद है कि आप 80 से 90% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक रहेंगे, मतलब बहुत ही इजी वे में और आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल सॉल्यूशन के साथ 19 का स्टेट मैक और थर्मो का पेपर को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नहीं दूंगा और ना ही बोर्ड पे लिखूंगा, सीधा मैं क्वेश्चन आपको रीड कर रहा हूँ। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल विद 2 एनर्जी लेवल फॉर ईच पार्टिकल। आपके पास एन पार्टिकल है और ये डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है मतलब क्लासिकल पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने पहला लेक्चर में जहाँ पे स्टेट मैक आईटीजीएम का वीडियो बनाया था उस पर आप जाके देख सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। सो हमने आपको बताया था कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल वैसे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग कर सकते हैं मतलब क्लासिकल पार्टिकल, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं जिनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्लासिकल क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो ये क्लियर हो गया कि ये जो कैपिटल एन पार्टिकल है सारे क्लासिकल है क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल वर्ड यहाँ पे दे रखा है, और इनके पास 2 एनर्जी लेवल है ना, ए ग्राउंड स्टेट विद एनर्जी 0 एंड एन एक्साइटेड स्टेट विद एनर्जी एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एज द सिस्टम टेम्परेचर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है यह है जेस्ट 2019 का क्वेश्चन है और हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये जेस्ट का बात कर रहे हैं 2019 का, ये टॉपिक बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इसका मतलब है कि ये क्लासिकल पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है ये आपको बताया था, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्लासिकल पार्टिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब क्वांटम पार्टिकल, मतलब ये क्या फॉलो करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल एन पार्टिकल है इनको 2 एनर्जी लेवल पे रखा गया है, एक तो ग्राउंड स्टेट जिसका एनर्जी 0 है इसका एनर्जी को इवन मान लेते हैं, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसका एनर्जी को जिसका एनर्जी एप्सिलॉन दे रखा है उसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी 0 दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी एप्सिलॉन दे रखा है, और ये जो एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट नीचे होगा और ये एनर्जी ऊपर होगा। अगर ये लेस देन 0 होता है एप्सिलॉन तो हम लोग को यहाँ पे ये बनाना पड़ता है, जो E2 लेवल है उसको यहाँ पे बनाना पड़ता है, दैट इज -E। ठीक है, या फिर नेगेटिव अगर वो होता तो, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव है मतलब वो 0 से ऊपर ही होगा। यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को E2 मान लिया, जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है अभी का फिलहाल का केस में। ठीक है, एन डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल है जो या तो इस एनर्जी लेवल पे रहेंगे या तो इस एनर्जी लेवल पे रहेंगे, उनके पास 2 ही चॉइस है, 2 ही एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं, दोनों का एनर्जी दिया हुआ है, पूरा सिस्टम टी टेम्परेचर पे है, पूरा सिस्टम टी टेम्परेचर पे है। हमसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है ना, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल इक्वल टू व्हाट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब हमको एवरेज एनर्जी निकालना है पर पार्टिकल, यानी कि किसी एक सिंगल पार्टिकल का एनर्जी निकालना है और टी जब टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा उस समय बताना है कि वो वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये पहले किसी एक पार्टिकल का एनर्जी निकालते हैं, किसी एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों जब क्लासिकल का केस होगा, क्लासिकल पार्टिकल यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का केस होगा, उस समय जो हमारा सिंगल पार्टिकल एनर्जी होता है, हमेशा हम लोग सिंगल पार्टिकल एनर्जी
निकालते हैं, हर एक चीज सिंगल पार्टिकल से निकालते हैं, फिर उसको एन पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंगल पार्टिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सिंगल पार्टिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइदर स्टेट मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ द आइदर स्टेट, और दिस इंप्लाइज दैट ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी एंड डिवाइडेड बाय समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। दोस्तों ये जो टर्म है बेसिकली ये पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो अगर पार्टीशन फंक्शन निकालने बोले तो बेसिकली जेड का ये फॉर्मूला होता है, समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालने बोले तो ये देख पा रहे हैं, सॉरी ये जो है ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दो चीज क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए। ओके, सो हम लोग एवरेज एनर्जी को पी आई ई आई लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूँ कि पी आई जो होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइदर स्टेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं ई टू द पावर माइनस ई आई और यहाँ बीटा, क्योंकि बीटा का मतलब होता है वन बाई के टी, वन बाई के टी क्या है? बीटा है, तो आप इससे कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई होता है जेड, जेड क्या होता है दोस्तों? जेड पार्टीशन फंक्शन होता है, जिसका वैल्यू होता है समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी। देखिए ऊपर में ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर आयत स्टेट का जिसका प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, जिस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन जेड जो है वो समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी, ये सारा स्टेट पे रन करेगा। ठीक है, इट क्लियर नॉट? जितने भी स्टेट है सब पे रन करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, इसको आप ध्यान रखें, और ये जेड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये जो टर्म देख रहे हैं ये क्या है? पार्टीशन फंक्शन है, इसको याद रखें, है ना? कई बार सिर्फ पार्टीशन फंक्शन, देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन गया, या तो सिर्फ पार्टीशन फंक्शन निकालने बोले तो आपको ये चीज कैलकुलेट करना है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइदर स्टेट निकालने बोले तो आपको ये चीज फॉर्मूला यूज करना है, ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई बाई समेशन ओवर आई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी, या फिर बीटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी निकालना है तो क्या होता है दोस्तों? पी आई मल्टीप्लाइड बाई ई आई, क्योंकि आपको मालूम है एवरेज एनर्जी निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई द एनर्जी ऑफ द आइदर स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, एवरेज निकालने के लिए तो पी आई का वैल्यू देखिए यहाँ से ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, और ये ई आई पहले से यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर में डिवाइडेड बाई पार्टीशन फंक्शन, यानी कि ई टू द पावर माइनस सी आई बाई या बीटा की जगह के टी की जगह बीटा लिख लेते हैं, वन बाई के टी की जगह। तो ये दोस्तों एवरेज एनर्जी का सिंगल पार्टिकल का फॉर्मूला है, ऐसा करता हूँ आपको इसे समझ में आया होगा। तो तीन चीज निकालने का फॉर्मूला आप क्लासिकल स्टेटमैट में सीख गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लासिकल स्टेटिस्टिकल क्लासिकल पार्टिकल का अगर केस हो, यानी कि क्लासिकल स्टेटिक्स यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिक का केस हो, या फिर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का केस हो, तीनों का मतलब एक ही है। इस केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है दोस्तों आइथ स्टेट का, तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के टी बाई जेड, या ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई बाई समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, जहाँ पे ये जो नीचे वाला टर्म है इसको पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, पीआई का फॉर्मूला याद रख लीजिए, और एवरेज एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला पीआई मल्टीप्लाइड बाई ई आई, ये भी आप याद रख लीजिए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एवरेज एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ई आई। ठीक है, तो ये बताइए ई आई कितना होगा? ओके, सो देयर इज ऑल्सो सम ओवर ई आई, है ना? सम ओवर ई आई वी कैन राइट इट हियर एंड जस्ट वेट गाइज। ओके, सो दिस इज एक्चुअली समेशन ओवर आई पी आई, है ना? समेशन ओवर आई पी आई ई आई। ठीक है, तो ऊपर में भी यहाँ पे समेशन ओवर आई लग जाएगा एनर्जी के केस में। ठीक है, एनर्जी के केस में ये ई आई पे भी सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी समेशन लग जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट की एनर्जी को लेके एवरेज करना है, तो ऊपर में भी समेशन नीचे में भी समेशन, इसको ध्यान रखिएगा। तो ई आई फर्स्ट स्टेट का एनर्जी आई जो है अभी कहाँ कितना हमारा भरी करेगा? आई वन और टू, क्योंकि दो ही एनर्जी लेवल है, तो आई का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? वन और टू। तो एक बार वन रखो और एक बार फिर से टू रखो, तो ऊपर वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, आई की जगह वन रखिए तो ये ई वन बन जाएगा, और ये ई टू द पावर माइनस बीटा ई वन बन जाएगा प्लस, क्योंकि समेशन है मतलब प्लस, आई का वैल्यू क्या क्या अभी हमारा दो एनर्जी लेवल है, तो आई का वैल्यू दो होगा, वन और टू। अब सेकंड में आई की जगह टू रखिए तो ये ई टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई टू एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आई का दो वैल्यू है अभी, तो दो बार समेशन में एक बार आई वन हो जाएगा और समेशन में एक बार आई टू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है आपको, आई का वैल्यू आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके पास कितने एनर्जी लेवल है, दो एनर्जी लेवल है मतलब आई का वैल्यू ये वन होगा और टू होगा, थ्री एनर्जी लेवल होता है तो वन टू थ्री होता है। क्लियर है? ऐसे फिलहाल अभी दो है, तो आपको समेशन लगाना है, मतलब आई का वैल्यू एक बार वन लीजिए फिर टू लीजिए, और समेशन मतलब एड होते जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये चीज यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए इसी को हम लोग फर्दर आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू ऑफ सिंगल पार्टिकल ई का वैल्यू देखिए, फर्स्ट स्टेट जो है उसका एनर्जी जीरो है, सेकंड स्टेट की एनर्जी ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो E1 E2 का जगह यहाँ पे दिख रहा है उसका वैल्यू रख दीजिए, तो ये E1 जीरो हो गया, E^-β E1 जीरो प्लस E2 का वैल्यू E है और E^-β E2 का वैल्यू E है, ठीक है, और नीचे में भी E^-β E1 का वैल्यू जीरो प्लस E^-β E2 का वैल्यू E है, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पूरा जीरो हो जाएगा प्लस ये एप्सिलॉन E^-β को KT लिख ले तो 1 E/KT, नीचे भी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ E का पावर -0 है, यहाँ पे ये 0 इस टर्म को 0 कर रहा था, लेकिन नीचे भी E^-0 तो 1/E^+0 यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इसको 0 इसको भी 0 कर देते हैं, नहीं यहाँ पे बाहर भी 0 थे इसलिए 0 हुआ, ये 1 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे E^-E को रहने देते हैं, बीटा को 1/KT लिख लेते हैं, तो E/KT, तो दिस इंप्लाइज दैट ऊपर में E^-E/KT और नीचे में 1+E^-E/KT। लिमिट लगाना है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे हम ये इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल है ये, है ना, एप्सिलॉन E^-, अच्छा इसको ना डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म को यहाँ नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1+E^-E/KT और डिवाइडेड बाय E^-E/KT, तो देखिए क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय देखिए 1/this, सो 1/this 1/this यानी कि E^+E/KT हो जाएगा ये, क्योंकि 1/E^-E/KT ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस this/this सेम चीज है तो कट के 1 हो जाएगा, क्लियर है। नाउ एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखिए एवरेज एनर्जी क्या होगा, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन E^ एप्सिलॉन बाय के और टी की जगह पे 0 और ये प्लस 1, ओके सो आप देख सकते हैं कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे टी की जगह पे इन्फिनिटी रख दिए, तो ये E/ एप्सिलॉन, चलिए लिखी रहते हैं E^ एप्सिलॉन बाय k इनटू इनफिनिटी इनफिनिटी और ये प्लस 1, तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन बाय E^ ये 1/∞ इसको पूरा 0 बना देगा, क्योंकि नीचे इनफिनिटी है ना, एप्सिलॉन बाय इनफिनिटी का मतलब क्या है, ये टर्म 0 है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं आप E^(1/∞), तो E^(1/∞) 0 होता है, तो E^(0, 0 मतलब ये जो टर्म ये 0 बन गया, तो E^(0+1), ठीक है। तो इसको और फर्दर सॉल्व कीजिए, तो एप्सिलॉन बाय E^(0), किसी का भी 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1+1 है ना, तो ये कितना गया E/2, तो ये क्या था दोस्तों, एवरेज एनर्जी फॉर वन पार्टिकल। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल का मतलब ही वही होता है, पर पार्टिकल का मतलब एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी फॉर सिंगल पार्टिकल या एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल मतलब एक ही है, क्योंकि एक पार्टिकल का बात हो रहा है, तो हम लोग तो एक ही पार्टिकल का एवरेज एनर्जी निकाले थे, किस केस में, टी टेंड्स टू इनफिनिटी पे, तो कितना आ गया E/2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर सिर्फ एवरेज एनर्जी निकालने बोलता है सिंगल पार्टिकल का, तो आंसर आपका यहाँ पे भी हो सकता था, डिपेंड ओपन कि आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, आपका आंसर यहाँ पे भी हो सकता था, तो ध्यान रखे कि ऑप्शन किस अनुसार है, उसके अनुसार इस चीज को डिवाइड करना है या नहीं करना है, या फिर आपका अगर एन पार्टिकल का निकालने बोलता है, तो यहाँ पे हम लोग एन से एवरेज एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए एवरेज एन अगर ऑप्शन में एवरेज एन है तो फिर आपको एवरेज एन से मल्टीप्लाई करना हो, और ऑप्शन में सिर्फ एन 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 है तो फिर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए या एन से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर एन पार्टिकल का एनर्जी निकालना होता तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल पार्टिकल का निकाल चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अभी एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल बोला था, यानी सिंगल पार्टिकल का एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए E/2, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, स्ट्रिक्ट में वास्तविकता में आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कंसीडर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स, ओके सो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है दोस्तों, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली स्पेस, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल है ना, और ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है यानी जो फर्स्ट स्टेट उसका एनर्जी जीरो दे रखा है और बाकी जो है इक्वली स्पेसिंग है, मतलब इस तरह से है क्योंकि ये इंटरवल क्या है सेम है सब में, ये जो इंटरवल है दोस्तों सेम है ना, ये इंटरवल सेम है इसका क्वेश्चन में दे रखा है, इक्वली स्पेस्ड है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखा है जीरो और ये जो स्पेस है ये ई दे रखा है, मतलब ये ई होगा ये स्पेस, मतलब ये एनर्जी अगर जीरो है तो कन्फर्म ये ई होगा, ये टू ई होगा, ये थ्री होगा एंड सो ऑन चलता रहेगा, तभी तो ई माइनस जीरो ये स्पेस ई हो जाएगा, टू ई माइनस ई ये स्पेस ई हो जाएगा, थ्री ई माइनस टू ये भी स्पेस ई हो जाएगा ना, तो स्पेस सेम है, ई का स्पेस है यहाँ पे भी ई है यहाँ पे भी स्पेस ई है, समझ पा रहे हैं। इससे हमको पता चल गया इक्वल स्पेस है, इससे हमको क्या पता चला कि हर एक मतलब अगर और ये दे रखा था कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जीरो है ठीक है, तो कंफर्म नेक्स्ट का ही होगा टू ही होगा थ्री होगा तभी तो इक्वली स्पेस होगा और जो स्पेस उनके बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का किसी भी दो स्टेट कंजुकेटिव स्टेट उनके बीच एप्सिलॉन होगा ठीक है, इतना क्वेश्चन में दे रखा था ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, जस्ट मोबाइल को साइलेंट कर लेते हैं। ओके सो इसके बाद आपको फिर इसमें बोला है कि फाइंड द पार्टीशन फंक्शन है ना, व्हाट इज द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन मतलब सिंगल मतलब एक पार्टिकल का आपको पार्टीशन फंक्शन निकालने बोला है। दोस्तों पार्टीशन फंक्शन जो जेड होता है उसका फॉर्मूला अभी आपको हम बताएंगे, समेशन ओवर आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। दोस्तों एक डिजेनरेसी फैक्टर जी आई भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये नॉन डिजेनरेट का केस है, ये कैसे कैसे अभी नॉन डिजेनरेट ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि हर एक स्टेट जो है वो नॉन डिजेनरेट है। नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या है कि दोस्तों ये जो आपको ये एनर्जी लेवल दिख रहा है जिसका एनर्जी थ्री है, ये फर्दर आगे एक ही स्टेट पे टूटेगा, ये भी एक ही स्टेट पे, ये भी एक ही स्टेट पे, ये भी एक ही स्टेट पे। अगर कहता है कि उस स्टेट का जिसका एनर्जी थ्री ई है वो अगर डबली डिजेनरेट है, मतलब वो फर्दर दो एनर्जी स्टेट पे टूट सकता था, तब हमारा इसका डिजेनरेसी को तब इसके लिए जी आई का वैल्यू टू हो जाता है, लेकिन अभी सबके लिए जी आई का वैल्यू कितना है वन है, क्योंकि सारा स्टेट नॉन डिजेनरेट है ना। अभी के केस में जी आई का वैल्यू कितना है दोस्तों वन है, तो अभी का केस के फिलहाल जी आई इक्वल टू वन हो गया क्योंकि ये नॉन डिजेनरेट केस है ना। तो जब भी नॉन डिजेनरेट केस रहे तो आपको जी आई का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जी आई वन हो जाएगा, तो वन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्रोडक्ट पे क्योंकि वन इंटू समथिंग इज डेट है ना। ओके सो लेकिन डिजेनरेट का केस होता तो उसमें जी आई को कंसिडर करना पड़ता हर एक स्टेट के लिए, और हम लोग देखते फिर उस समय क्या होता है। जैसे ये अगर डबली डिजेनरेट होता तो इसके लिए जी आई का वैल्यू टू लिखते, इसके लिए अगर नॉन डिजेनरेट होता तो वन लिखते, इसके लिए अगर ट्रिपली डिजेनरेट होता तो थ्री लिखते, फिर से ये अगर नॉन डिजेनरेट होता तो जीरो वन लिखते ठीक है, ऐसे हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन अभी हमारा जी आई का काम होगा नहीं, और इसे लिख भी दे तो अभी नॉन डिजेनरेट सारा स्टेट तो जी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, क्लियर है। अब चलिए आपको मालूम है कि इस एनर्जी को हम लोग ए वन बोलते हैं, इस एनर्जी को ए टू बोलते हैं, इस एनर्जी को ए थ्री बोलते हैं, इस एनर्जी को ए फोर बोलते हैं एंड सो ऑन। तो पुट करते जाइए समेशन है मतलब ऐड होते जाएगा, तो सबके लिए जी आई वन है तो उसको कंसिडर करना नहीं, ई टू द पावर माइनस बीटा आई का वैल्यू अभी क्या क्या होगा अलाउड वैल्यू वन टू, क्योंकि इसके लिए वन आई का वैल्यू फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल टू थ्री फोर डॉट 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 कितने लेवल है इनफाइनाइट लेवल है, तो ये फोर डॉट 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 इनफाइनाइट चला जाएगा। तो ई टू द पावर माइनस बीटा ई वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई टू प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ये थ्री, देखिए आई वेरी कर रहा है ठीक है, प्लस डॉट 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 ये सीरीज कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। दोस्तों ये इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो वन बाय आई थिंक ए माइनस आर होता है ठीक है, वन बाय ए माइनस आर होता है इसका फॉर्मूला, तो वन बाय ए फर्स्ट टर्म होता है दोस्तों, तो फर्स्ट टर्म देखिए हमारा यहाँ पे यही है यार, चलो यार और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके सो अभी यहाँ पे नहीं, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि टू द पावर माइनस बीटा ई वन फर्स्ट स्टेट का एनर्जी जीरो था दोस्तों, हम डायग्राम मिटा दिए, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई टू सेकेंड स्टेट का एनर्जी कितना था एप्सिलॉन था, देन ई टू द पावर माइनस बीटा फिर टू एप्सिलॉन था, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा थ्री एप्सिलॉन था क्योंकि इक्वल स्पेस था, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा था ठीक है। तो ये क्या बन गया वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस टू बीटा एप्सिलॉन प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री बीटा एप्सिलॉन प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है दोस्तों होता है वन बाय ए माइनस आर ठीक है,
तो वन बाय ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो अभी हमारा फर्स्ट टर्म ये है वन है, यानी ये ए की जगह वन हो गया माइनस आर। आर होता है दोस्तों कोई भी दो टर्म का रेशियो, आर क्या होता है रेशियो ऑफ सेकेंड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड बाय सेकेंड टर्म या फोर्थ बाय थर्ड टर्म, ठीक है। तो अभी चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड टर्म कितना है सीरीज का ए टू द पावर माइनस बीटा ई, फर्स्ट टर्म वन है तो ये हो गया ए टू द पावर माइनस बीटा ई। हमेशा आप सेकेंड बाय फर्स्ट टर्म निकालने ज्यादा आसान होगा, तो ये आ गया ए टू द पावर माइनस बीटा ई। दोस्तों वन बाय वन माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा को वन बाय के टी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ई बाय के टी। तो ये हमारा सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकल गया। ये आपका क्या है दोस्तों आंसर है, ये क्या आपका आंसर है। लेकिन ये किसी से अभी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए सबको पांच या तीन नंबर जितना नंबर का ये क्वेश्चन था सबको मिल गया था 2019 में। उम्मीद करते हैं ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, इनफाइनाइट सीरीज का कैसे निकालते हैं। क्लियर है? ओके। इनफाइनाइट सीरीज का ये सम का जोड़ने का जो फॉर्मूला है दोस्तों उसको याद रखें, वन बाय ए माइनस आर, जहां पे ए क्या है फर्स्ट टर्म है और आर क्या है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो है। क्लियर है दोस्तों? इस सीरीज में हम लोग और एक लास्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं, और ओके चलिए और दो क्वेश्चन है दोनों को देख लेते हैं, देन तीन टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। कंसिडर ए ग्रैंड एंसेंबल ऑफ ए सिस्टम ऑफ वन डायमेंशनल नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटरी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ओके दोस्तों हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है हमारे पास, कितने हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है और इसका एवरेज एनर्जी पूछा है किसमें दोस्तों ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में। दोस्तों आपको बताते चले कि जो एवरेज एनर्जी होगा किसी सिस्टम का वो ग्रैंड में हो है ना ऑलवेज सेम होता है ना, ऑलवेज सेम इन एनी एंसेंबल। तो ये क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ लिखा है कि ग्रैंड एंसेंबल पे हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, कैनोनिकल एंसेंबल हो या ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल हो या माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हो, एंसेंबल कोई भी हो एनर्जी का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चिंता नहीं करना है दोस्तों। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पहले आप एनर्जी लिखिए, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। आपको एवरेज एनर्जी निकालना है ना एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास एन और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो इसका है हैमिल्टोनियन या एनर्जी टोटल एनर्जी कितना होगा दोस्तों इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होगा दोस्तों पीएक्स, क्योंकि वन डायमेंशनल है पीएक्स स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि जो एवरेज एनर्जी होगा आपको हमने जेएम आईटी जेएम का जब हम स्टेट मैक का पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप हमारे अभी तक प्लेलिस्ट पे जाके लेक्चर 1, 2, 3 आप जो आईटी जेएम का स्टेट मैक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो वीडियो उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हमको हाफ के टी मिलता है, कितना मिलता है हाफ के टी सॉल्व करने पे, और ये पोटेंशियल एनर्जी से भी हमको कितना मिलता है हाफ के टी मिलता है। दरअसल ये के जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और जब हम लोग सॉल्व करके जो लाते हैं तो ये जो के होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आंसर पे आता है वो के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सॉल्व करते समय स्प्रिंग कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है एवरेज एनर्जी निकालते समय, ठीक है। तो ओके सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ऑफकोर्स जैसा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने पर एवरेज आता है हाफ केविटी और काइनेटिक एनर्जी से भी आता है हाफ केविटी, मतलब दोनों चीज से हाफ केविटी आता है, तो कितना बन गया दोस्तों केवीटी। हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में जो एवरेज एनर्जी होगा दोस्तों सिंगल, ये है सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है ना, सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये एनर्जी है, ठीक है। देयरफॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना हो जाएगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी कितना हो जाएगा ई ऑफ एन लगा देते हैं, यहाँ पे ई ऑफ वन लगा देते हैं, एन मल्टीप्लाइड बाई केवीटी। दोस्तों ये जो एन है ये एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्या हमारा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि स्टेट मैक पे हम लोग जो भी एन यूज करते हैं वो हमारा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में, चूंकि इस ऑप्शन में अभी जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन ये वाला भी था और एक ऑप्शन ये वाला भी था, तो यदि ये वाला ऑप्शन मौजूद है तो पहला करेक्ट ये होगा, लेकिन अगर कहीं पे भी एवरेज एन का कोई ऑप्शन नहीं है तब फिर ये सही होगा। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए हम आपको बता दिए, क्लियर है। लेकिन ये पहला प्रेफरेंस होना चाहिए क्योंकि एन जो होता है वो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है।
तो ये हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी एन से मल्टीप्लाई करती है, सिंगल का निकालनी है एन से मल्टीप्लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएमबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, हम आपको बता दिया है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इससे हाफ के टी इससे हाफ के टी, क्लियर है। टोटल के टी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर तो एन के टी, एन क्या है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये भी जीएसटी का 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही देख सकते हैं कितना आसान था। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, कंसिडर ए नॉन रिलेटिविस्टिक टू डायमेंशनल गैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, आपको एक गैस कंसिडर करने बोला था जिसमें एन इलेक्ट्रॉन्स है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है एन इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2D गैस है, कैसा है दोस्तों 2D, वर्ड पे विशेष ध्यान देना है 2D 1D 3D पे, ठीक है। विद द फर्मी एनर्जी EF और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो फर्मी एनर्जी है वो EF है। व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एट टेम्परेचर T टेंड्स टू 0, हमसे पूछा है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल का मतलब क्या है दोस्तों, एक पार्टिकल का एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग एन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल लीजिए, उसको एन से डिवाइड कर दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा, या फिर आप सीधा एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है, उसका मतलब वही है। लेकिन कहां पे निकालना है, टी टेंड्स टू 0 केल्विन पे। सिस्टम क्या है दोस्तों, 2D है और इलेक्ट्रॉन का जो फर्मी एनर्जी है कितना है, EF है, ठीक है, ये गैस है इलेक्ट्रॉन का। दोस्तों हम आपको फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, एक फॉर्मूला ले लिया है, द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन डी डायमेंशन, इन डी डायमेंशन एट टी केल्विन इज, एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर विथ फर्मी एनर्जी EFH। दोस्तों वैसे इलेक्ट्रॉन गैस जो डी डायमेंशनल सिस्टम में रखा हुआ है, हम देखिए जनरल वर्ड डी डायमेंशनल कर दिया, ना तो 1 ना तो 2 ना तो 3, आप क्वेश्चन जैसा है उसके अनुसार डी का वैल्यू पुट करना है, 1D में डी का वैल्यू 1, 2D में 2, 3D में 3। तो डी डायमेंशनल सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन गैस रखा हुआ है जिसका फर्मी एनर्जी EF है और सिस्टम का अगर टेम्परेचर T है, तो जो एवरेज एनर्जी होगा दोस्तों, द एवरेज एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गैस इन डी डायमेंशनल, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, यहां लिख देते हैं ऐसा, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन का गैस है, तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एवरेज एनर्जी, जैसे टोटल एवरेज एनर्जी वो होता है दोस्तों, डी डायमेंशन है तो डी बाय 5 एन EF, और नो नो सॉरी ओके नो नो दिस इज सॉरी सो ये होता है EF, एक्चुअली एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे अब मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन ये होता है D/5 एन EF, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। इन जनरल जो एवरेज एनर्जी होता है दोस्तों वो होता है आपका EF देन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय 12 एंड देन पाई KT बाय फर्मी एनर्जी EF पूरा का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ठीक 0 केल्विन रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से, यहाँ ले जाए, यस 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 यहाँ पर हमने गलती किया, ये अब लग रहा आ जाएगा ना, हाँ ओके, सो एट टी केल्विन ही हम बता देते हैं आपको, एट टी टेम्परेचर, तो एट टी टेम्परेचर जो आता है डी बाई 5 एन EF एंड देन 1 प्लस 1 बाई 12 एंड देन पाई KT बाई फर्मी एनर्जी EF पूरा का इसका होल स्क्वायर होगी ब्रैकेट। दोस्तों ये जो है हमारा पूरा एन इलेक्ट्रॉन का, एन इलेक्ट्रॉन का अगर कोई गैस है जो टी टेम्परेचर पे और फर्मी एनर्जी EF पे और टी डायमेंशनल सिस्टम में रखा हुआ है, तो उसका ही एवरेज एनर्जी है ना, एन पूरा एन इलेक्ट्रॉन का। देयरफॉर एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, टी 0 केल्विन रखने पे ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि टी 0 मतलब ये टर्म 0 मतलब 1 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 0, तो 1 प्लस दिस टर्म 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो टी इक्वल टू 0, इसको 0 पॉइंट एनर्जी नॉट भी बोलते हैं फर्मी गैस का यानी इलेक्ट्रॉन का, तो ये आ जाएगा डी बाय 5 एन EF, ठीक है। तो अब यहां से आगे देख लीजिए,
therefore E naught at टू dimensional, एट टू डायमेंशनल डी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा टू, तो ये डी की जगह पे टू रख दीजिए, तो ई नॉट इक्वल टू टू बाई फाइव एन ई एफ। तो ये तो जो निकला दोस्तों ये टोटल एवरेज एनर्जी निकला पूरा सिस्टम का, एन इलेक्ट्रॉन का सिस्टम का, लेकिन अगर एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन यानी कि एन को ले जाके इधर डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा टू बाई फाइव ई एफ, है ना। तो ये जो आपका निकला दोस्तों ये क्या निकला, एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में अभी हमको टोटल एन इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी निकालने बोलता तो ये आंसर हो जाता है ना एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन, लेकिन हमें निकालने बोला था एवरेज एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन लेकिन पर इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को, एन से एन को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए तो बचा टू बाई फाइव ई एफ, जहाँ पे ई एफ क्वेश्चन में दे रखा था फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये टी टेम्परेचर पे, इन जनरल टी टेम्परेचर पे फॉर्मूला है, टी इक्वल टू जीरो केल्विन रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये भी सवाल बन सकता है, एनर्जी जो होता है वो होता है थ्री बाई टू पी वी, है ना, एनर्जी होता है थ्री बाई टू पी वी, तो ई नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू पी नॉट भी। तो आपसे अगर पूछ ले कि जीरो पॉइंट प्रेशर क्या होगा फर्मी गैस का, या फिर चलिए आपको जनरल आपको याद रखिए इक्वल टू थ्री बाई टू पी वी, ये जो ई का वैल्यू है उसको यहाँ लेके पुट कर दीजिए तो आपको फर्मी गैस के लिए प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। फर्मी गैस के लिए प्रेशर मिल जाएगा आपको, अगर फर्मी गैस के लिए अगर प्रेशर मिल जाएगा तो टी इक्वल टू जीरो केल्विन पूछेगा, तो फिर से आप टी इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर भी आपसे पूछ सकता है। तो ये रिलेशन है ई और पी में, सिर्फ इस ई को यूज कर लीजिए, वहां पर प्रेशर फर्मी गैस का मिल जाएगा, टेम्परेचर टी जीरो केल्विन पूछा है, फॉर्मूला में टी जीरो रख दीजिए, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वाला आप कर लीजिएगा अपने से कॉपी में नोट्स में उतार के रख लीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फर्मी गैस के लिए जीरो डिग्री केल्विन पे भी मोशन हो रहा है सिस्टम, पार्टिकल के पास एनर्जी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। इन जनरल आप लोग क्या समझते हैं, टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे मोशन सीज होना चाहिए क्योंकि एंट्रोपी जीरो होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी सिस्टम का जीरो नहीं है, सिस्टम मोशन में। दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्डर्ड होता है सिस्टम, तो जो ओमेगा होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वो वन होता है, और एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा तो एल एन वन जीरो हो जाता है, तो एंट्रोपी जीरो होता है लेकिन मोशन सीज नहीं होता है क्योंकि सिस्टम का एनर्जी टी इक्वल टू जीरो केल्विन पे भी अभी आप देख लिए कितना आ रहा था, थ्री बाई डी बाई फाइव एन ई एफ, जहाँ पे डी डी डायमेंशनल सिस्टम की बात हो रही थी, ठीक है। थ्री डायमेंशनल सिस्टम का होता है तो डी की जगह पे थ्री रखते, अभी जो मिटा दी उस पर वन डी का होता है तो डी की जगह वन रखते, फोर डी का होता है तो फोर रखते, एन डायमेंशनल का होता है तो एन रखते, डी डायमेंशनल होता है डी रखते, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक गैस है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, है ना, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और ओके सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, बाय। कुछ काम आ गया मेरा, बाय, गुड बाय।